हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम आईसीएसई ज्योग्राफी के पेपर में जो मैप आता है उसकी फिलिंग कैसे करेंगे। सो मैप फिलिंग के लिए हमें तो पहले पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पूछा जाना है और उनकी फिलिंग हमें मैप पे कैसे करनी है। सो ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आईसीएसई ज्योग्राफी के पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। सो गाइस, अगर हम बात करें मैप के सिलेबस की, सो मैप्स में बेसिकली ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लैट्यूज के बारे में। सो बेसिकली ये जो सारे माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लैट्यूज हैं, बेसिकली यही पूछे जाते हैं आईसीएसई के ज्योग्राफी पेपर के मैप पे। प्लेन्स हो गए और डेजर्ट्स हो गए, पर्टिकुलर डेजर्ट एक ही आता है, और रिवर्स, वाटर बॉडीज, पासेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सिटीज एंड पॉपुलेशन। तो बेसिकली ये जितनी सारी चीज़ें हैं यही पूछी जाती हैं मैप्स में। आईसीएसई का बेसिकली यही सिलेबस है, इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, इनके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है आईसीएसई के पेपर में। तो गाइस, अगर हम ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से तो ऑब्वियस है कि मैप में हमारे 10 out of 10 तो आने ही आने हैं। जितना भी 10 marks का मैप आता है उसमें से हमें 10 out of 10 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो इनको कैसे प्रिपेयर करना है चलिए देखें। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस PDF का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ सिलेबस का भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सारे मैप्स में जो जितनी भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई थी वो सारी मार्क करके आपको यहाँ इस PDF में लिख दी है। सो आप इस PDF को डाउनलोड करके इजिली देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये मैप आपका जो है, इसमें मैंने रिवर की मार्किंग्स की हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मैप है पर्टिकुलर, इससे मैंने रिवर्स की मार्किंग की हुई है। सो गाइस, अगर आप PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आपको ये सारी मार्किंग्स मिल जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट पेज पे मैंने आपका रिवर का मैप यहाँ पे रेडी कर रखा है, और रिवर्स को याद करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी आप एक डायरेक्शन से रिवर्स को याद करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए टॉप से आप स्टार्ट करें याद करना, सो यहाँ से आप लाइन से रिवर्स को याद कर सकते हैं, तो वो आपको एक हेल्प करेगा सारी रिवर्स को ईजिली रिमेम्बर करने में। तो ये सारी रिवर्स है, ये आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्थ से साउथ तक कौन कौन से रिवर्स एक एक फ्लो कर रही हैं। एग्जाम में कोई भी रिवर आपको पॉइंट करने के लिए आ सकती है, तो जब भी आपको कोई रिवर मार्क करना होगा तो ऐसे ही कुछ मैप आपके पास वहाँ पे आएगा बोर्ड में, और आपको इस रिवर पे ऐसे ब्लू पेंसिल से ऐसे मार्किंग करनी होगी, और उसके बाद उस रिवर के ऊपर आपको उस रिवर का नाम लिख देना होगा। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारी रिवर्स के नेम्स याद होंगे, और वो रिवर कौन सी है वो आपको यहीं इस मैप में से देख देख के याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मैप हमारा है, सो इस मैप पे आप देख सकते हैं प्लेन्स एंड प्लैट्यूज एंड दो पासेस भी हैं यहाँ पे। तो इन पासेस को भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ का है, और ये प्लेन्स और जो वाटर बॉडीज हैं ये भी आप इस मैप से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैप है हमारा सिटीज़ का। सो सिटीज़ में हमें आप ये देखना है कि जो मेन सिटीज़ हैं पूरे इंडिया की वो कहाँ कहाँ हैं। सो इस मैप पे आपको मिल जाएंगी सिटीज़, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट मैप में मैंने बताया है कि यहाँ पे जो जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और साथ साथ जो प्लेट्यू रह गए थे उस वाले में, उस मैप में, वो इस मैप में मैंने यहाँ पे लेबल करके आपको दिखाया है। सो यहाँ पे आपको रेंजेस मिल जाएंगे, माउंटेन रेंजेस एंड साथ साथ आपको प्लेन्स एंड प्लेट्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट मैप में यहाँ पे, इस मैप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने विंड डायरेक्शंस और साथ साथ सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मैप पे, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे मैंने मैप पे आपको दिखाया हुआ है। सो इस मैप को आप कंसिडर करेंगे तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस PDF का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, सो ऑब्वियस है आपके वहाँ पे 10 out of 10 मार्क्स पूरे पूरे आ जाएंगे। अब लास्ट थिंग ये आती है कि हम मैप को रिमेंबर तो कर लेंगे बट उसको प्रैक्टिस कहाँ पे करें। सो गाइस, नीचे आप देख सकते हैं ये जो मैप है, ऐसा ही कुछ मैप आपके आईसीएसई ज्योग्राफी के पेपर में अटैच होके आएगा जो कि रिवर मैप ऑफ इंडिया है। सो इसी मैप में आपको सारी लेबलिंग करनी होती है। सो इस मैप का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, इसके आप प्रिंटआउट्स निकाल लीजिए काफ़ी सारे, और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें आपने रिमेंबर की हैं। सो गाइस, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, यही चीज़ें आपको वहाँ पे भी उस मैप में आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सारे जितना भी सिलेबस था और मैप था और ये वाला मैप, इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको मैप पे कैसे मार्क्स लाने हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।